वन्स अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल। एबे आमे कंटिन्यू करिबा आजिरो क्वेश्चन सबु पिला लेखुचंती एग्जांपल आजिरो एक नंबर एग्जांपल ए मैन परचेज सम लेमन आट द रेट रुपीज 30 पर डजन। भाई माने डजन केतेटा ना सर डजन होची 12टा आमे जानिचु जे 12टा लेमन को से 30 टंका लेखारे किणुची बुझी होची तो 30 रुपीज पर डजन एहार माने 12टा लेमन को से 30 टंका लेखारे किणुची एंड सेल सीट आट द रेट रुपीज 3 पर लेमन। फाइंड प्रॉफिट सेलिंग प्राइस एंड परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल। सब पिला लिखि सारी कहिबे ओके आमे करिबा सॉल्यूशन। यस सर आमे लिखि सारिलु आपण एबे करंतु सॉल्यूशन मु किछि स्टार्टिंग रु रिफ्रेश आपण मानको करूची सो दैट आपण माने कोन करिवे ने टिके रिफ्रेश हे जांतु तापरे आमे कोन करिवा ना आजिरा नुवा कंटेंट किछि डिस्कशन करिवा। ओके ओके यस सबो पिला लेखिबे सर हियर कॉस्ट प्राइस केते सबु पिला लेखिबे हियर कॉस्ट प्राइस केते कॉस्ट प्राइस पर डजन केते देची ना सर देची रुपीस 30 कॉस्ट प्राइस पर डजन देची रुपीस 30। अच्छा भाई माने मते कहि परिबे सेल प्राइस कोन देची ना सर सेल प्राइस सेल प्राइस पर लेमन देची सेल प्राइस पर लेमन देची रुपीस 3 माने गोटी लेंबू को से बिकुची 3 टका लेखा रे त मते कहि परिबे कॉस्ट प्राइस पर लेमन केते हि परिबो ना सर रुपीस 30 डिवाइडेड बाय 12 से समान रुपीस 2.50। ताहले कॉस्ट प्राइस पर लेमन केते हे गला ना सर 2.50। सर पचारि छि प्रॉफिट ताहले आमे प्रॉफिट केमिति बाहर करिबा प्रॉफिट पर लेमन केते हे जिवो ना सर सेलिंग प्राइस पर लेमन माइनस कॉस्ट प्राइस पर लेमन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस पर लेमन से समान 3 टंका होची सेलिंग प्राइस 2 टंका 50 होची कॉस्ट प्राइस ताहले प्रॉफिट केते हि जिवो ना सर 50 पैसा बा रुपीज 0.50 रुपीज केते हि जिवो 0.50 पर लेमन। अतएव सबु पिला मते कहिबे परसेंटेज प्रॉफिट केते हबो परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट केते हबो ना सर परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट रो फार्मूला होची एहार माने होची फार्मूला कथा छाड़ एहार माने होची जेते बेले कॉस्ट प्राइस रुपीज 100 सेते बेले प्रॉफिट केते ताकु आमे कौन कहू ना सर परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कहू जेते बेले
कॉस्ट प्राइस हो जी 100 टका सेते बेले प्रॉफिट केते आमे ताकू कोण को ना कॉस्ट प्राइस सॉरी परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कहो ओके ता माने आमरो फॉर्मूला को न जाएंगे आमे करिबा जेते बेले कॉस्ट प्राइस हो जी 2 टका 50 पैसा सेते बेले प्रॉफिट हो जी 50 पैसा टंका डारे केते होबो ना सर 50 पैसा डिवाइडेड बाय 2 टका 50 पैसा 100 टका रे केते होबो ना सर इनटू 100 से समान आमे कहि परिबा जदि 50 रे आमे आको काटिबा 5 5 रे 100 काटले 20 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट सर एगुडा को आपण पढैथिले आमे जानिचु आपण फटाफट आगु चालंतु आजिर नुवा टॉपिक आलोचना करिबा ओके तो परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल पचारची परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल पचारची ताहेले केते होबो ना सर एहार माने होउची व्हेन सेल प्राइस इज रुपीस 100 सेते बेले प्रॉफिट होउची केते सबु पिला माने लेखिबे जेते बेले सेल प्राइस होउची सर 3 टका प्रॉफिट होउची 0.50 जेते बेले सेल प्राइस होबो टंकाटा सेते बेले प्रॉफिट होबो 0.50 डिवाइडेड बाय 3 जेते बेले प्रॉफिट होबो 100 ए सॉरी सेल प्राइस होबो 100 सेते बेले प्रॉफिट केते होबो ना 0.5 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 100 5 रे काटले 6 6 रे 100 को काटले 16.66% यस सर आमे एथरा बुझी पारलु सर सर मु कहली यस ना सर आकु कोन आमे आउ गुटी तरीका रे करि परिबानी मु कहली जरूर करि परिबा किछि पिला कहले सर आपण पर लेमन बाहर कले जदि आमे टोटल ऊपर बाहर करिबा ताहले कोन हेई परिबानी मु कहली जरूर हेई परिबो जदि आमे टोटल भा ऊपर बाहर करिबा ताहले केमिति होबो आंसर सब पिला देखिबे सेकंड प्रोसेस सेकेंड प्रोसेस रे सबु पिला लिखिबे सेल प्राइस पर लेमन केते थिला ना सर रुपीस 3 अतए टोटल सेलिंग प्राइस केते हे जिवो ना सर रुपीस 3 इनटू 12 टा लेमन से समान रुपीस 36 हे जिवो यस सर गोटी लेमन को 3 टका रे बिकिले 12 टा लेमन को 36 टका रे बिकिबो अतए टोटल प्रॉफिट केते होबो ना सर फार्मूला होची सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से समान 36 माइनस 30 से समान रुपीस 6 अतए परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट केते होबो ना सर आपण कहिले फ्वेन कॉस्ट प्राइस होउची 30 प्रॉफिट होउची 6 1 रे केते होबो 6/30 100 रे केते होबो 6/30 इनटू 100 से समान 20% परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल केते होबो सर व्हेन सेलिंग प्राइस होउची 36 सेते बेले प्रॉफिट होउची 6 टंकाटा सेलिंग प्राइस बेले प्रॉफिट होबो 6/36 100 टंका सेलिंग प्राइस बेले प्रॉफिट होबो 6/36 इनटू 100 से समान 16.66% ओके सर आपण हम को जो फार्मूला लिखैथिले से फार्मूला अनुसार कोन हमें करि परिबानी यस आपण देखंतु परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट उपरे कोन फार्मूला थिला ना सर 6 टका होची कोन ना सर 6 टका होची प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 30 टका कोन ना 30 टका होची कॉस्ट इनटू 100 एटा मध्ये ए फार्मूला माध्यम रे मध्ये आमे करि परिवा सर सिमिलरली परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल कोन बाहरिबो ना सर 6 टका होची प्रॉफिट
36 टंका होची सेल 6 बाई 36 थिला ना 6 बाई 36 थिला यस 36 टंका होची सेल प्राइस इनटू 100 तो परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस मध्यम एमिति बाहर रिबो बुझियला यस सर बुझियला जदि बुझियला आपण एबे लेखिबे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 काहार किछि हार्डशिप थिले मते कहिबो यस सर हमर हार्डशिप थिले आमे कहिबु न बुझि परले कहिबु आपण आगो को चलत फटाफट लिखिबे एग्जांपल सब पिला लिखिबे लिखिबे क्वेश्चन मो सहित बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीस 10,000 बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीस 10,000 ए सेलर यर्न आगे प्रॉफिट कथा करिबा तापर लॉस कथा करिबा यर्न 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस फाइंड कॉस्ट प्राइस परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस सबु पिला लिखिबे सॉल्यूशन लास्ट क्लास रे आमे एई भलिया अंक गुटे करथिले तो ताकू आमे करिबा एबे सॉल्यूशन सबु पिला मो सहित लिखिबे हियर से कहूची बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीस 10,000 से कहूची कोनोसी गुटिए जिनिस को 10,000 टंका रे बिकिबा द्वारा ताहले सेलिंग प्राइस सर केते हे गला ना सर 10,000 टंका ए सेलर यर्न 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस से कहिछि गोटिए जिनिस को 10,000 टंका रे बिकिबा द्वारा सेलर केते टंका प्रॉफिट करूची ना सर 25% ऑन कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट करूची 25% ऑन कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट करूची ताहले परसेंटेज प्रॉफिट केते देछि ना सबु पिला मो सहित तो लिखिबे परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट यस सर परसेंटेज प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस ऊपर देछि सबु पिला लिखिबे एहारो माने कोन हाइफन देकी ना सर एहारो माने होउछि जेते बेले कॉस्ट प्राइस होउछि 100 टंका सेते बेले प्रॉफिट होउछि 25 टंका जेते बेले कॉस्ट प्राइस होउछि 100 टंका सेते बेले प्रॉफिट होउछि 25 टंका मु आपण मानको कहितली आमे टेबल फॉर्मेट रे भी बाहर करिबा फार्मूला पके के भी बाहर करि परिबा एवं आउ गुटे कथा कहितली आमो पाखरे जो डाटा अछि ताकु रखिबा लेफ्ट रे जहाँ पचारिछि ताकु रखिबा राइट रे सबु पिला कहिले यस सर आमर मने अछि मते सबु पिला कहिबे प्रॉफिट रो फार्मूला कोन ना सर प्रॉफिट रो फार्मूला होउछि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ताहले सेलिंग प्राइस रो फार्मूला कोन होबो ना सर कॉस्ट प्राइस युक्त प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस युक्त प्रॉफिट सबु पिला बुझी परिले यस सर आमे बुझी परिलु ताहले मते एठी को सेलिंग प्राइस केते होबो ना सर सेलिंग प्राइस ही जीवो कॉस्ट प्राइस युक्त प्रॉफिट से समान 125 टका ए पर्यंत बुझियला सर फटाफट ए पर्यंत बुझियला आमे करिबा हमर मेन सॉल्यूशन मु आपण मानको कोन कहिथिले जोटा पचारिछि ताकु आमे कोन करिबा राइट साइड रखिबा सर पचारिछि कोन कॉस्ट प्राइस तो आमे कॉस्ट प्राइस को राइट रे रखिबा तो सबु पिला माने देखिबे मेन सॉल्यूशन रे मु केमति करूची मेन सॉल्यूशन लिखिबा उल्टा फुएल देखो मु कोन लिखूची जेते बेले कॉस्ट प्राइस होउची रुपीस 100 सेते बेले प्रॉफिट होउची 25 आउ सेते बेले सेलिंग प्राइस केते होउची ना सर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट
से समान 125 बुझेला। आउ दी लाइन लिखिबा दरकार नाही, मु जेमती सॉल्यूशन करौछि आपण माने थरे बुझंतु। ओके, जोटा पचारी आम रखा राइट साइड रे, जहाँ आम पाखे अच्छे आम रखा लेफ्ट साइड रे, सो दैट कॉस्ट प्राइस जिते बड़े 100 टंका प्रॉफिट होते बड़े 25 टंका सेलिंग प्राइस केते हम ना सर 125 हम। जो मैंने आपको न बुझीपार से मैंने कौन करेंगे ना प्रथम यही लाइन टाक लिखिदेवे सजे लिखे। यस, मुझे बुझे जोटा आपन को सुइटेबल हम आपन सेमती करिवे। फास्ट ए लाइन लिखिदेवे तापर कौन करिवे ना आमे जो फेयर वर्क सॉल्यूशन करूचे ताकू लिखिवे। ओके सर, आमे बुझीगलु। जदि सेलिंग प्राइस टंकाटा हम ताहले कॉस्ट प्राइस केते हम ना सर 100 डिवाइडेड बाय 125। जदि सेलिंग प्राइस टंकाटा सॉरी सेलिंग प्राइस 10,000 टंका हम ताहले कॉस्ट प्राइस केते हम ना सर 100 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 10,000 से समान केते हे जीवो 25 रे काटिले 5, 25 रे काटिले 4, तो एटी 5 रे काटिले 2,000 ता माने हे जीवो 8,000 टंका हे जीवो। सब पिला बुझी पारिले? यस सर। सर कटाटा टिके हमको सिखे दियंतु। यस, जदि मु 25 रे 100 को काटुची 4, 25 रे 125 काटुची 5, आ 5 रे जदि 10,000 काटिबी 2,000। यस सर, बुझीगला सर। सर आम आउट आ वे कले हबनी, आउट आ वे कले जरूर हबो। कौन करिबा ना सर, आम कौन करिबा आगे प्रॉफिट बाहर कर दवा। प्रॉफिट रु आमे कौन करिबा ना जदि प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस रु फेड़ी दवा ताहले हमरा कौन बाहर जीवो कॉस्ट प्राइस बाहर जीवो। किछि पिला बुझी पारलेनी, मु कहली एट देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ताहले कॉस्ट प्राइस रो फार्मूला कौन हबो ना सर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सर सर आम आगे प्रॉफिट कैलकुलेशन कर दबा। जेते बेले सेलिंग प्राइस होची 125, प्रॉफिट होची 25, सेलिंग प्राइस 1 हेले प्रॉफिट केते हबो ना सर 25 बाय 125, सेलिंग प्राइस 10,000 हेले प्रॉफिट केते हबो ना सर 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 10,000 से समान प्रॉफिट केते बाहरी गला 2,000 बाहरी गला। अतए कॉस्ट प्राइस केते हबो ना सर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट से समान 10,000 माइनस 2,000 से समान 8,000। बुझीगला? यस सर बुझीगला। यस सर, आमर बुझीगला, बुझी हबा कथा भी न बुझी रहला भले किछि नाही। ओके सर, सर आपण लास्ट रे जतिक प्रॉब्लम करै दिले आमको कौन करू दिले ना सर आगे प्रॉफिट बाहर करू दिले। यस, एमती बाहर करू दिले, एटा को आपण सेकंड पेन रे लिखू दिले, किंतु आज उल्टा कहीं की करले भाई। मु सबुबेले आपनको डिफरेंट वे रे करबा पई चेष्टा करूची सॉल्व प्रॉब्लम को। आपण माने टिके टिके मार करिवे, बाकी फंडा सेम अछि, किछि भी फंडामेंटल रे एफर्ट सपोर्ट नाही, फंडा सेम अछि। ओके, तापरे क्वेश्चन कोन पचारि छि परसेंटेज प्रॉफिट सेलिंग प्राइस ऊपर केते हबो, परसेंटेज प्रॉफिट सेलिंग प्राइस ऊपर केते हबो। तो सब पिला लिखिबे, मु एटी सॉल्यूशन कर दोची राइट साइड रे। परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस एहार माने कौन किए कोई परिवो ना सर, एहार माने होची जेते बेले सेलिंग प्राइस होची 100 टंका सेते बेले प्रॉफिट होची केते, आमे ताकु कौन कहू ना परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस बोली कहू। सबू पिला माने राइट साइड रे एमती लिखिकी नौथिबे,
सो दैट कौन हम ना आमको बुझा पड़ो। तो परसेंटेज प्रॉफिट रो माने होची एया। तो सब पिला माने देखिबे जेते बेले सेलिंग प्राइस थिला 10,000 सेते बेले प्रॉफिट केते थिला ना सर 2,000। जेते बेले सेलिंग प्राइस हो टंकाटा सेते बेले प्रॉफिट केते हे जीवो ना सर 2,000/10,000। जेते बेले सेलिंग प्राइस 100 टंका हे जीवो सेते बेले प्रॉफिट केते हे जीवो ना सर 2,000/10,000 इनटू 100 से समान 20% ऑन सेलिंग प्राइस हे जीवो। कहार जदि डाउट अछि मते पचारिबे। किछि पिला कहिले सार सार किछि पिला कहिले सार सार हम कहलि यस ना सर आमे आपको को फॉर्मूला पके की बाहर करी परी बनी आपन काली जो फॉर्मूला हम को बुझे दिले लास्ट क्लास रे आमे कौन से फॉर्मूला पुट करके बाहर करी परी बनी मु कहली डेफिनेटली आमे फॉर्मूला पुट करके ही सॉल्यूशन करी परिबा। तो सब पिला लिखिबे जे फॉर्मूला माध्यम रे केमिति होबो आउ थरे बुझिबे जो माने लास्ट क्लास रे बुझि नथिले। यस सर आमे रेडी होचू आपन फटाफट हमको बुझंतु। मु कहली प्रॉफिट केस रे बड़ो किए ना सर प्रॉफिट केस रे आपन कहितिले सेल प्राइस बड़ो कॉस्ट प्राइस सान काहे कि ना सर प्रॉफिट रो फॉर्मूला होची सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट केस रे बड़ो होची सेलिंग प्राइस सान होची कॉस्ट प्राइस। आपन मानन को मु कहितिली बड़ो घर होची प्लस सान घर होची माइनस। आमको क्वेश्चन रे परसेंटेज प्रॉफिट कहा ऊपर देची ना सर परसेंटेज प्रॉफिट देची 25% ऑन कॉस्ट। परसेंटेज प्रॉफिट कहा ऊपर देची ना सर 25% ऑन कॉस्ट देची। ओके तो आमे कहा ऊपर बाहर करिबा ना सर सेल ऊपर बाहर करिबा ता माने आमे अच्छे कोउटी ना सर छोटो घरे आमे अछु जीबा कोउटी की ना सर बड़ घर को ताहले छोटो घर बड़ घर को गले कौन हम ना सर प्लस हम। तो आमर फॉर्मूला कौन थिला ना फॉर्मूला थिला रेट ऑफ प्रॉफिट रेट माने परसेंटेज रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इनटू 100। मु सिंपली फॉर्मूला कौन लिखे थी अपन को रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इनटू 100 माने गोटी अपन नोट खाता रे एटा को लिखि दिबे प्रथम टा को लिखि दिबे ताहेले सर केते हे गला ना सर 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इनटू 100 से समान 25/125 इनटू 100 से समान 20% बुझिएला। यस सर बुझी हेतिले मते रिप्लाई देबे यस आमे करिबा नुवा क्वेश्चन। यस सर। ओके आमे एबे सॉल्व करिबा आउ गोटे क्वेश्चन। अंकिता बुझिएला दास शुभलक्ष्मी चंदन दीपक अरे रिप्लाई तो दियो सब्यसाची। यस सर बुझिएला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सब पिला माने लिखिबे एग्जाम्पल नंबर 3 सेई भलिया गोटे क्वेश्चन नबा आ गोटे नुवा कथा सिखिबा। मु दीटा फार्मूला रे सब बेले कैलकुलेशन करैबी एवं मोर व्यक्तिगत एडवाइस रहिबो आपण कांसेप्ट बुझंतु एवं फंडामेंटल वे रे सॉल्व करिया को चेष्टा करंतु। फार्मूला आपे आपे एग्जाम रे हेजिबो एग्जाम रे भी आपण फार्मूला कर देबे किछि बड़ कथा नै। ओके सर आ गोटे क्वेश्चन लिखिबे लिखिबे कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल
कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 5000। परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 20%। परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 25%। 25% फुल स्टॉप। फाइंड प्रॉफिट एंड सेल प्राइस। मुझे यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं किंतु ये सिंपल क्वेश्चन भितर मत आपको किसी कहवाक अच्छे सल्यूशन सर एटा तो आम करदेव मुझे कहली कर ना सर 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट रो माने कौन हो ना सर जेते बेले सब पिला माने लिखिबे जेते बेले कॉस्ट प्राइस होची 100 टंका सेते बेले प्रॉफिट होची 25 टंका। आउ थरे 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कहिले जेते बेले कॉस्ट प्राइस होची 100 टंका सेते बेले प्रॉफिट होची केते ना 25 टंका। सर से पचारिची प्रॉफिट ताहेले कॉस्ट प्राइस टंकाटा हेला बेले प्रॉफिट केते हबो ना सर 25 बाय 100। कॉस्ट प्राइस 5000 हेले प्रॉफिट केते हबो ना सर 25 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 5000। से समान दीटा सुनो कटिगले आउ रहिला गोटाए सुनो 25 50 125 1250 टका प्रॉफिट। सार सार आमे टेबुल न करी आउरी शॉर्टकट उपाय रे करबा को चाहौछु किछि शॉर्टकट अछि कि मु कहले यस शॉर्टकट अछि किंतु शॉर्टकट पई आपन को टिके ध्यान से करबा को पड़िबो अदरवाइज भूल होबार संभावना अछि। ए क्वेश्चन रे भूल होबनी किंतु आसंता क्वेश्चन रे भूल होबार बहुत प्रोबेबिलिटी अछि। सर ठीक अछि हमको शॉर्टकट कोहंतु। अच्छा कहिलो ये 5000 टंकाटा कोन ना सर 5000 टंका होची कॉस्ट प्राइस ये 25 बाय 100 टा कौन ना सर 5000 टका होची परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। बुझीला जदि आम गोटे लाइन रे माने प्रॉफिट बाहर करिबा तो फॉर्मूला होची सब पिला माने लिखिबे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेकेंड मेथड करके लिखिबे सेकेंड वे रे सेकेंड मेथड करके लिखिबे प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। से समान कॉस्ट प्राइस होची 5000 इनटू 25% से समान 1250। जदियो एटा छोटो छोटो कथा आपण माने भलसे ध्यान दियंतु सो दैट बड़ो क्वेश्चन रे हमरा भूल होबनी। कौन सर ध्यान देबा काम पड़िबो ना सब पिला माने देखिबे जदि कॉस्ट प्राइस देची आपण एटी केते मल्टीप्लाई करिवे ना सर परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई करिवे सो दैट आपण कर प्रॉफिट बाहरिबो। किंतु बेले बेले क्वेश्चन रे कौन हेतिबो ना एटी कॉस्ट प्राइस देतिबो परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस देतिबो से जगह रे भूल होबार 99% प्रोबेबिलिटी अछि। आपण जलबाजी रे प्रॉफिट रो फार्मूला लिखि देबे कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज प्रॉफिट किंतु आपण ए बेस्टा को केबे भूलिबेनि मोर एडवाइस परसेंटेज प्रॉफिट कहा उपरे देइछि आगे सेइटा को जजमेंट करिवे। आउ थरे परसेंटेज प्रॉफिट बा परसेंटेज लॉस कहा उपरे देइछि कॉस्ट प्राइस उपरे देइछि कि सेल प्राइस उपरे देइछि आपण सेइटा को आगे जजमेंट करिवे तापरे फार्मूला पकेबे अदरवाइज आपण ए टेबल फॉर्मेट रे जिबे आपणकर भूल होबार कोनोसी संभावना नाही। ओके ताहेले सेलिंग प्राइस केते हि जीवा फटाफट कहि दियो ना सर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट से समान 5000 युक्त 1250 से समान 6250। ओके पिल्ला एटी लेखिबे क्वेश्चन क्वेश्चन सर कौन
ए पर्यंत समस्त सरला ये सर ए पर्यंत समस्त सरला जदि सरला मु आउ गोटे फर्मूला एटी लिखे दउछि एटा गला कॉस्ट प्राइस उपरे जदि प्रॉफिट आपण बाहर करिवे केमिति बाहर करिवे ना सेल प्राइस इनटू परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस आपण शॉर्टकट रे जदि फॉर्मूला बाहर करिवा को चाहू जदि फॉर्मूला पुट करिवा को चाहू जदि सबु बेले जति की नेबे तहार परसेंटेज ता मध्य तहारी उपरे नेबे एहार अर्थ जदि आपण सेल प्राइस उपरे सेल प्राइस को आधार करी बा बेस नै प्रॉफिट बाहर करिवा को चाहू जदि ताहले परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस ही मल्टीप्लाई करिवे जेमती कि एटी कॉस्ट प्राइस थिला आमे परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट नउथिले एटी सेल प्राइस नेले परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कहा उपरे नबा ना सर सेल प्राइस उपरे नबा सबु पिला माने रेड रे लेखिबे केपे भी ए मिस्टेक करिवे नाही कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस आकु केबे भी लेखिबे नाही सबु मान सबु पिला लेखि कि छकी मारिबे आउ कोन लेखिबे नाही ना सेल प्राइस इनटू परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस आकु केबे भी लेखिबे नाही कारण एहा द्वारा आमर फॉर्मूला बा कैलकुलेशन पूरा भूल हे जीवो बुझेला सिंपल भाषा रे जदि मु कहिबी आपण एटी जति की बेस नेबे जदि कॉस्ट प्राइस बेस नउ चंदी ताहले परसेंटेज प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस रे नेबे जदि आपण सेल प्राइस बेस नउ चंदी ताहले परसेंटेज प्रॉफिट सेल उपरे ही बेस नेबे सर लॉस केस रे कोन होबो ना लॉस केस रे बहुत सिंपल लॉस केस रे जदि हमें लेखिबा लॉस हे जीवो केमिति बाहरिबो ना सर कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस जदि हमें प्रॉफिट को सेल को बेस नबा केमिति बाहरिबो ना सर सेल प्राइस इनटू परसेंटेज लॉस ऑन सेल प्राइस सबु पिला माने लेखि के नेबे लेखि सारी थिले मते कहिबे ताहले एई कहानी रो हमकु कोन प्रेरणा मिलिला ना सर आमे जहा को बेस नबु अर्थात जदि आमे कॉस्ट प्राइस को बेस नैजु ताहले परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस कॉस्ट प्राइस ऊपर नबु जदि सेल प्राइस को बेस नैजु परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस आमे सेल प्राइस ऊपर न ए कहानी रु सर हमकु एति की प्रेरणा मिलला ओके तो आमे टेस्ट करिबा आपण माने केते सिखिले केते मन रखिले वर्तमान करिबा आमे टेस्ट सर आमे टेस्ट दबा पई बहुत रेडी आपण खाली क्वेश्चन दे के देखंतु ओके सब पिला माने लेखिबे क्वेश्चन एग्जांपल लिखिबे बाय सेलिंग एन आर्टिकल गोटे जिनिष को बिकिबा द्वारा फॉर रुपीज 50,000 ए मैन जने लोक सफर करे लॉस सर आपण प्रॉफिट केस दियो तो तापर लॉस केस देबे लॉस तो लेखि सलिन काई आगु चेंज करिबा ना सर चलिबो ठीक अछि ताहले मु चेंज कर दउ छी जदि समस्त कहउछो ए मैन योर प्रॉफिट ट्वेल्व पॉइंट फाइव% ऑन सेलिंग प्राइस फाइंड प्रॉफिट एंड कॉस्ट स्मार्ट वे रे आंसर करिवे स्मार्ट वे रे कहिले एबे जहा आपन को बुझे कि आसेली सबु पिला करिवे सॉल्यूशन सर आपन हम को कहितिले
आउ थरे क्वेश्चन पढ़ंतु बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीस 50,000 ता माने हियर सेलिंग प्राइस केते हे गला 50,000 गोटिए जिनिस को 50,000 टंका रे बिकिबा द्वारा ए मैन यर्न प्रॉफिट 12.5% ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के कहा ऊपर देची ना सर 12.5% ऑन सेलिंग प्राइस देची आपण कहितले जहा को आमे बेस नबा परसेंटेज प्रॉफिट तहारी ऊपर नैथिबा दरकार यस ताहले सर आमे कौन को बाहर करि परिबा ना प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस इनटू परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस से समान 50,000 इनटू 12.5% हबो ये सर हबो दीटा सुन कोटी गला जदी आमे गुणीबा 125 रु गुटीए सुना उठी गला माने 12.5 थिला गुटीए सुना उठीबा पई माकु 125 कर देली आउने सुना काटी देली ता माने आउ रहिला कोटाए सुनो 125 × 625 सर आमे बुझी पारिलुनु काली मु आपन को बुझौतिली जदी आपन को डेसिमल अछि डेसिमल माने 0.023 अछि आमे ताको जदी भग्नांश रे परिणत करिबा कोन हबो ना सर जति की संख्या अछि आपन सेति की लेखि दियंतु 1 2 3 दशमिक परे जेतेटा संख्या अछि एक रे सेतिकेटा शून्य दे दियंतु बुझियला यस सर सर आउ गोटे एठी जहा कहिल कले हमहु सेया बुझांतु एठी थिला 12.5 ध्यान दियंतु 12.5 जदि मु दशमिक उठेबी ताहेले कोन करबी ना दशमिक उठे देली डिवाइडेड बाय दशमिक परे जेतिकेटा संख्या थिला एक रे सेतिकी शून्य देबी अर्थात जदि मु एठी डेसिमल पॉइंट उठेली 125/10 हो गला जोति पई कि मु गोटे शून्य एठी काटेली 100 पई दीटा शून्य काटीतली आ दशमिक उठेबारो गोटे शून्य काटीली यस सर आमे एटा बुझी गन बुझियला यस सर बुझियला अतए कॉस्ट प्राइस केते हि जीवो ना कॉस्ट प्राइस हि जीवो अरे प्रॉफिट को इत्ते बारला ये सर बाहला थी कॉस्ट प्राइस ही जीवो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट से समान 50,000 माइनस 6,250 से समान 750 50 रु 6 गले 43,750 बुझियला सर ये बहुत सहज क्वेश्चन है यस हमें एग्जाम रे सहज जिंस ही भूल करिताउ आपण एई जदि कन्वर्सन टा सिखि जिवे बिलीव मी भविष्य रे बहुत काम रे दवार अछि सेति पई मु छोटो छोटो क्वेश्चन करू छी आपण मन सहित बडो क्वेश्चन डायरेक्ट कर देले किछि असुविधा होबनी आपण मन को कॉम्प्लिकेटेड लागियो पूरा ओके सर आ गया लिखी दिले ना 12.5/100 100 अरे भाई 12.5/100 लिखे के आगे दीटा सुनो काटी देली तापर 12.5 जगह रे 125/10 कोली गोटे सुनो काटी ली आउ रहला एटी 50 50 रे मल्टीप्लाई कोली 125 बुझी परलो सर 100टा केमि देस परसेंटेज थिला बोली 100 यस 12.5% जे सेटा होची 12.5/100 जेमिति कि 25% को हमें केमिति लिखु जे ना 25/100 बुझियला यस सर बुझियला तो क्वेश्चन लिखिबे लिखिबे सेम क्वेश्चन मु खाली सेटा लॉस दे दउ छी बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीस 50,000 ए मैन सफर लॉस 12.5% ऑन कॉस्ट प्राइस फाइंड
लॉस एंड कॉस्ट प्राइस ए क्वेश्चन जहाँ रही गला मते कहिबे फटाफट सॉल्व करो ए क्वेश्चन जहाँ सॉल्यूशन है गला मते कहिबे सार सार एठारे क्वेश्चन बुझी पारे तो बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 50,000 गोटे जिनिष को 50,000 टंकारे बिकिबा द्वारा ए मैन जणे लोक सफर करुची लॉस 12.5% ऑन कॉस्ट प्राइस लॉस कहा ऊपर देछि ना सर कॉस्ट प्राइस ऊपर देछि वेरी वेरी गुड तो जहाँ देछि बोटी लिखि देबी हियर सेलिंग प्राइस होउची केते ना सर 50,000 लॉस देछि केते 12.5% ऑन कॉस्ट सीपी सीपी टा को हमें कहू कॉस्ट प्राइस यस सर सर आपण हमको कहिथिले लॉस इज इक्वल टू जदि मु सेलिंग प्राइस देछि सेलिंग प्राइस को बेस नेबी ताहले परसेंटेज लॉस कहा ऊपर नेबी ना सर सेलिंग प्राइस ऊपर नेबी किंतु सर गड़बड़ हो गला मु कहली काहे की ना सर परसेंटेज लॉस कहा ऊपर देछि कॉस्ट प्राइस ऊपर देछि ताहले मते कोन करबा को पड़िबो दीटा वे रे हमें आपको सॉल्व करबा जो माने स्मार्ट वे रे करबा पई चाहू जंदी ध्यान देबे तापरे मु टेबल फॉर्मेट रे कर देबी काहे की ना हमें स्मार्ट कैलकुलेशन रो फार्मूला ऑलरेडी लिखि सारिलेनी सेलिंग प्राइस इनटू परसेंटेज लॉस ऑन सेलिंग प्राइस तो आमे जदि कोन करबा ना परसेंटेज लॉस ऑन सेलिंग प्राइस बाहर कर दबा ताहले हमर अधा काम एटी हे गला यस सर अधा काम भी एटी हे गला ताहले प्रश्न आसुची परसेंटेज लॉस ऑन सेलिंग प्राइस आमे केमिति बाहर करबा परसेंटेज लॉस ऑन सेलिंग प्राइस केमिति बाहरिबो जो जगह रे परसेंटेज लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस देछि सब पिला लॉजिक बुझिबे मु लास्ट क्लास रे भी बुझैतिली लॉस केस रे बड़ किए ना सर कॉस्ट प्राइस बड़ क्रय मूल्य बड़ सेलिंग प्राइस सान ये सर सीपी बड़ एसपी सान ता माने बड़ घर होची कॉस्ट सान घर होची सेल आमर परसेंटेज लॉस कहा ऊपर देछि ना सर कॉस्ट ऊपर देछि ता माने आमे अच्छे कोटी ना सर बड़ घरे अच्छे आमर कोण बाहर करबा दरकार ना परसेंटेज लॉस ऑन सेलिंग प्राइस बाहर करबा दरकार ता माने आमे जिबा कोटी की ना सर सान घर को जिबा सर आपण कहिथिले बड़ घरु सान घर को गले फार्मूला होची रेट माइन रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट इनटू 100 सर रेट कहले रेट ऑफ लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 मु ताको शॉर्टकट रे कोन लिखली रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट इनटू 100 बुझियला यस सर तो एबे आमे फेयर सॉल्यूशन करिबा 12.5 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 12.5 इनटू 100 से समान 12.5 डिवाइडेड बाय 87.5 इनटू 100 जदि आकु आमे काटिबा काटिले केतरे कटिबो सर आमे को दशमिक उठै परिबा तो 125 टाकु डिवाइडेड बाय 100 करि परिबा ए 125 डिवाइडेड बाय 10 करि परिबा काहे कि ना दशमिक उठैले सेतिकेटा 1 रे शून्य दबा यस होल डिवाइडेड बाय 875 बाय 100 भी मते 10 भी मध्ये लिखि परिबा यस सर आमु को पढ़ा जायतिला ए बी बाय ए होल डिवाइडेड बाय सी बाई डी थिले कौन है जीवो ना ए बाई बी इनटू डी बाई सी है जीवो मने पड़ू जी यस सर ताहले होल इनटू सौ है
मुँ इजी करें कि आपको दशमिक उठे कैलकुलेशन करने चाहूँगी कारण एग्जाम आपको कैलकुलेटर अलाउ ना प्लस टू पिला कैलकुलेटर अलाउ ना। ओके सर 125 बै 10 इंटु 10 बै 875 इंटु 100 जदि 10 कटिगले एथर काट 25 रे काटिले 5 25 रे काटिले 25 3 75 आउ रहिला 12 25 50 125 तो 5 रे काटिले 7। ओके तो जदि 7 रे आमे 100 को काटिबा 7 के 7 आउ रहिला 3 30 7 चौ 28 7 चौ 28 आउ रहिला 2 हरण फल न पाइला दशमिक ओल्लैला शून्य 20 7 दुने 14 आउ रहिला 6 7 8 56 14.28% शहे हरण आसब तो ये सर शहे आम सात को जो हर सत के सात आउ रहा तीन तीस सत चौ अठाई बड़ी पड़ा दुई आउ कि ओल्लैवाई ना से कौन दिहब दशमिक बिंदु ओल्लैला शून्य सत दुने चौद आउ रहा छ दशमिक बिंदु दे पुणी गोटा दे शून्य सत अष्ट छपन छपन दि स्थान पर्यटन हेल्ले सफिसीयंट आउ सड़ किसी करवा दरकार ना कहार बुझीलानी सर ये टे कैलकुलेशन जब राउंड फिगर में आसी था भल होता सेमती किसी माने ना कैलकुलेशन सब बड़े आप राउंड रे आसवि बुझीला तो लॉस केते हबो ना सर लॉस हबो जदि मुझे इरेज करने को चाहिए जदि मुझे इरेज करने चाहिए ताहले एटी लॉस केते हबो ना सर लॉस हो जिवो लॉस हो जिवो सेलिंग प्राइस थिला केते 50,000 इंटू परसेंटेज लॉस केते बाहर कले 12.28% माने 100 दीटा शून्य दीटा शून्य कटिला दशमिक बिंदु पाई आउ दीटा शून्य कटिगला दशमिक बिंदु पाई आउ दीटा शून्य केमती कटिला सब पिला माने देखंतु एठी रहिला आउ 500 इंटु 14.28 थिला। ओके जदि मु दशमिक बिंदु उठेबी तो 500 रहिला इंटु 1428 डिवाइडेड बाय 100 करिबी तो एठी दीटा शून्य कटिगला ता माने आकु गुणिले 5 8 40 रखिनला 4 पाँच दिन दस चार चौद रखिनला एक पांच छः कोड़े एक 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 रखिनला दुई पांच के पाँच दुई सात सत हजार शहे चालीस टाँचा कौन हो गला लॉस हो गला। अतएव कॉस्ट प्राइस केमती बाहर ना सर लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस दैट इम्प्लाइज लॉस रो वैल्यू हूँ 7140 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस 50,000 दैट इम्प्लाइज कॉस्ट प्राइस केते ही गला ना सर 50,000 युक्त 7,140 से समान 57,140 टंका कॉस्ट है गला बुझीला ये सर बुझीला जे टिके हमको किटिमिटिया लागेला मुकुल लागिबो किटिमिटिया जदिओ कलरा खाइबा को पिता किंतु देह पई बहुत उपकार तो आमे आकु सेकंड वे रे सॉल्व करिबा मु खाली क्वेश्चन टा को थरे पढ़ी दिए सेकंड वे रे हमको सॉल्व करिबा। यस सर आमे करिबा सेकंड वे रे सॉल्व सेकंड वे रे केमिदि सॉल्व करिबा ना सबु पिला माने लेखिबे सेकंड प्रोसेस आमको कौन दिया जाए थिला? ना सर सेलिंग प्राइस दिया जाए थिला 50,000 परसेंटेज लॉस कहा ऊपर दिया जाए थिला?
ना सर कॉस्ट प्राइस ऊपरे दिया जाय थिला केते दिया जाय थिला ना सर दिया जाय थिला 12.5% ऑन कॉस्ट एहार माने कोनो ना सर एहार माने होची फ्यूल कॉस्ट प्राइस होची 100 टंका लॉस होबो लॉस हम गोटे मिनिट मोर चार्ज सरी आसानी यस से लॉस हम 12.5% अच्छा कहल लॉस फॉर्मूला हूँ कॉस्ट माइनस सेल दैट इम्प्लाइज सेल के ना सर कॉस्ट माइनस लॉस ताहले सेल प्राइस के ना कॉस्ट रु लॉस को फेड़ी देले मोर बार जीवो सेल प्राइस तमाने 87.5 बुझेला 100 रु 12.5 गले 87.5 तो कॉस्ट प्राइस हमको कौन देची ना सर सेल प्राइस देची कौन पचारी ना सर कॉस्ट प्राइस पचारी आपण कहिथिले जोटा पचारिबो ताको आमे राइट साइड रखिबा जोटा देची आमे ताको लेफ्ट साइड रखिबा ताहेले आमे कोन करिबा जदी आमे आकु सजे की लेखिबा जेते बेले सेलिंग प्राइस होउची 87.5 सेते बेले लॉस होउची 12.5 सेते बेले कॉस्ट प्राइस होउची 100 टंका टंकाटा बेले कॉस्ट प्राइस केते होबो ना सर 100/87.5 50,000 बेले केते होबो ना सर 100/87.5 इनटू 50,000 जदि आमे दशमिक एठी उठेबा ताहेले कौन करिबा आउ थरे मु आपन को बुझे दउची दशमिक रो कैलकुलेशन समस्त ध्यान देबे जदि 0.5 अछि इंटू 100 अछि ध्यान देबे ताहेले केते होबो ना सर ये दशमी की गोटे डाहाण को जीवा पाई एठी गोटे शून काटिया को पड़िबो ता माने 5×10 रहिगला ता माने आंसर केते आसीबो 50 आसीजिबो एहार लॉजिक होउची एक रे जेतिकीटा शून थिबो दशमिक बिंदु सेतिकी डाहाण को जीवो एठी संख्या अछि गोटाए किंतु एक रे शून अछि दीटा दशमिक बिंदु दीटा डाहाण को जीवो सेति पई मु गोटिए शून आनिले तो 50 रो माने होउची 50.00 सर आउ थरे हमको कहिबे जदि 0.823 अछि इनटू 10 अछि एक रे केतेडा शून अछि ना सर गोटाए शून अछि ताहले दशमिक बिंदु गोटाए डाहाण को जीवो जदि एक रे सर दीटा शून थिबो ताहले दशमिक बिंदु दीटा डाहाण को जीवो जदि एक रे तीनटा शून थिबो ताहले दशमिक बिंदु तीनटा डाहाण को जीवो जदि एक रे चारटा शून थिबो ताहले दशमिक बिंदु चारटा डाहाण को जीवो बुझियला ये सर ये कैलकुलेशन आमे छोटो बेले आमको पढ़ा है थिला फिलहाल आमे टिके टिके भूली जाए ओके तो आपको जदि आमे वर्तमान कैलकुलेशन करिबा समस्त देखिबे एटी दशमिक बिंदु हटेबा पाई मु कौन करिबी ना डिवाइडेड बाय 10 करिबी बुझियला डिवाइडेड बाय जदि 10 करली से 10टा उपरे गुणा हे जीवो केमिति ना सब पिला देखिबे 100/875/10 काहेकि समस्त देखिबे डेसिमल पॉइंट उठेबार नियम कौन सब पिला देखिबे जदि 0.23 अछि मु कहली दशमिक स्थान दीटा डाहाण को जीवो आमे कौन करिबा ना सर 23 रे 100 गुणिले दशमिक स्थान दीटा डाहाण को जीवो प्रश्न आसुची जदि मु 100 गुणीबी ताहले मते कौन करिया पड़िबो 100 करिबा को पड़िबो ताहले केते हे जीवो ना जेहेतु 100 गुणीची दशमिक बिंदु दीटा डाहाण को पड़ेला डिवाइडेड बाय 100 रहिबो ओके सेति पई एठी जदि आमे कैलकुलेशन देखिबा
87.5 थिला तो दशमिक बिंदु गोटे डाहाण को गला डिवाइडेड बाय 10 जेंति कि दशमिक बिंदु दीटा डाहाण को जाउतिला डिवाइडेड बाय 100 होतिला। ओके सर आमे बुझी गलु इनटू 50,000 जदि आमे याको कैलकुलेशन करिबा सबु पिला माने जानिथिबे सर कौन जानिथिबे जे ए बाई बी बाई सी थिले सेटा है जीवो ए बाई बी इनटू सी बाई वन बा सी तो सिमिलरली ये 200 जाएंगे ऊपर गुणा है जीवो से गला 1000 बाई 875 इनटू 50,000 जदि हमें आपको 25 काटिबा 25 आपको 25 काटिले 40 आपको 5 काटिले 7 आपको 5 काटिले 8 वर्तमान आमे आपको गुणी दबा 8 × 5 = 40 400,000 डिवाइडेड बाय 7 8 × 5 = 40 1 2 3 4 40 रे 1 2 3 4 टा सुन यस सर तो आपको जदि आमे 7 रे काटिबा 740 अछि केते होबो ना सर 7 × 5 = 35 आउ रहला 5 = 50 7 × 7 = 49 आउ रहला 1 = 10 7 × 7 आउ रहला 3 = 30 7 × 4 = 28 आउ रहला 2 = 20 7 × 2 = 14 आउ रहला 6 परे आउ किसी संख्या नाही ओलेबा पई तेणु देला दशमिक 60 7 × 8 = 56 आउ रहला 4 दशमिक बिंदु देई देई 0 ओलेला 40 7 × 5 = 35 तो 57,142 टंका 85 पैसा हैला लॉस उपरे केते बाहर थिला उपरे बाहर थिला 57,140 पाखा पाखी राउंडिंग ऑफ रे राउंडिंग ऑफ रे 2 टंका रु 3 टंका मोर फरक आसुची जोटा की एब्सोल्युटली राइट 57,143 होबो आंसर एठी किंतु फास्ट प्रोसेस रे हमर आंसर थिला 57,140 दिस इज ड्यू टू फ्रैक्शनल एरर एहा ग्रहण योग्य पॉइंट छोटो एपोर्ट सपोर्ट आसीले ता ग्रहण योग्य जदि कहार किछि डाउट होची से माने मते पचारिबे नहले मु लॉस टा कैलकुलेशन करबे ना सर हमर आउ किछि डाउट नै अपन आगु चलंतु यस एक रे केते होबो ना 12.5 / 87.5 50,000 रे केते होबो 12.5 / 87.5 इनटू 50,000 तो एहार कैलकुलेशन केते होबो भाई कार डाउट अछि मते पचारो ऊपरे दशमिक बिंदु उठी गला तळे भी दशमिक बिंदु उठी गला 50,000 हे गला तो एयर आंसर आसीबो 7,140 टका जदि कहार डाउट अछि मते पचारिबे जदि कहार डाउट अछि तो मते से पचारिबे मु वर्तमान कली जूम आउट यस समस्त को स्क्रीन देखा जाउछि यस सर स्क्रीन देखा जाउछि कहार कौन डाउट होची पचार कहार कौन डाउट होची पचार मु क्लास को कली 80 ऑफ